नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, जिस शख्सियत से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, वो प्रदीप गांधी जी हैं। श्री प्रदीप गांधी जी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। तो प्रदीप सर, आपका सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अमित जी। दोस्तों, आज यहाँ पर हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्वयं रोजगार की, देश की तरक्की की और देश के उन युवाओं की जो अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, बहुत कम पूंजी से व्यापार या स्वयं रोजगार के अवसरों को पाना चाहते हैं, उसमें बहुत अधिक सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो गांधी जी, सबसे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि आज बहुत सारे युवा अपने जीवन में बहुत अधिक प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी के अभाव में उनके पास इतनी पूंजी नहीं हो पाती कि वो अपना कोई व्यापार शुरू कर सकें। बहुत बेहतरीन आइडियाज़ उनके पास होते हैं, तो स्वयं रोजगार को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं और सरकार किस तरह से मदद करने के लिए तैयार है, और ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं या सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहां पर हमारे युवा साथी और हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें किस तरह से स्वयं रोजगार कर सकती हैं। देखिए अमित जी, विगत 5 वर्षों में काफ़ी कुछ परिवर्तन नीतियों का इस देश के अंदर हुआ है, और नीतियों के परिवर्तन के कारण से भारत एक युवा आबादी का हमारा ये देश है। और निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों की तो दिनों दिन कमी होगी, लेकिन अगर स्वरोजगार की दिशा में हम बढ़ने का प्रयास करें तो हमको बहुत से ऐसे अवसर इन दिनों उपलब्ध हुए हैं, चाहे वो सरकार की नीतियों का सपोर्ट हो, चाहे वो मुद्रा लोन जैसा विषय हो जिसमें 50,000 से लेकर के 10,00,000 रुपया तक का लोन विदाउट बैंक गारंटी के सरकार उपलब्ध करा रही है। क्योंकि आप अपना प्रस्ताव बनाते हैं तो बैंकर्स को भी ये दिशा निर्देश है कि समाज के अंतिम व्यक्ति, युवा जिसके अंदर कुछ स्वरोजगार करने की इच्छा है, उसका मार्गदर्शन करें, उसको मोटिवेट करें, और जो आसपास के परिवेश में संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का वैल्यू एडिशन करें। तो इस दिशा में वर्तमान सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है, और हम लोग भी अपने द पृथ्वी फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को इस तरह का मोटिवेट करते हैं कि आप लोग स्वरोजगार के लिए खास करके अपना योजना बनाएं और उस योजनाओं को बैंक में जाकर के उसका ड्यू डिलीजेंस कराएं, और अगर किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्र के लोग मुद्रा लोन प्राप्त करने में आपको किसी न किसी तरह से मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो गांधी जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ जी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश के कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप में उनको इसलिए नहीं मिल पाता, या तो जानकारी का अभाव होता है या ऐसे उनको रिसोर्स नहीं मिल पाते जिनकी वजह से वो तैयारी करके उस मुद्रा लोन को प्राप्त कर सकें। तो ऐसे में आपने एक बार मुझे बताया था कि आपके पास एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसकी वजह से कोई भी एक गांव का, दूरदराज का व्यक्ति या महिला या माताएं बहनें बहुत अच्छा रोजगार कर सकते हैं। थोड़ा उसके बारे में प्रकाश जरूर डालिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के बहुत सारे ऐसे राज्यों से हमारे साथ हमारे युवा साथी, हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं जो जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम स्वयं रोजगार करके भी बिना सरकार पर आश्रित हुए हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। देखिए, हम अपनी संस्था के माध्यम से 6P मॉडल पर काम करते हैं जी। 6P है पब्लिक, प्राइवेट, पंचायत, प्रॉफिटेबल, प्रोग्रेसिव, पार्टनरशिप। फिंगर टू फिस्ट, उंगलियों की मुट्ठी बनाओ। और जब आदमी उंगलियों की मुट्ठी बना लेता है तो उसमें एक प्रकार की ताकत का एहसास आ जाता है। अब देखिए, हमारा वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, हमको पर्यावरण पूरक उद्योग धंधों की स्थापना करने से ही भारत में इतने प्राकृतिक संसाधन हैं कि इनका दोहन करके यदि हम रोजगार के नए अवसर पैदा करें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यदि हम उसको जरा फ्लोर पर निकाल के ले आए तो निश्चित रूप से उसका फायदा हो। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको अमित जी जी, कि हम गांव में जाते हैं तो गांव में हम और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर कमल टावरी, 68 बैच के IAS अफसर हैं जी। उन्होंने और हम दोनों ने 3 दिन की पदयात्रा की। पदयात्रा करते हुए गांव में हमने 200-250 महिलाएं बैठी थी, महिलाओं को पूछा कि भाई आपके गाँव में हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा है जी,
किसी में कला की प्रतिभा है, किसी में व्यंजन बनाने की प्रतिभा है, किसी में और कुछ है। व्यक्ति के अंदर की प्रतिभा का कन्वर्जन करके यदि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जैसे मैंने गांव में पूछा कि बड़ी बनाने वाली कौन सी बेस्ट महिला है, बड़ी जो सब्जियों में डाली जाती है, जो सब्जियों में डाली जाती है, रखिया बड़ी, रखिया बड़ी। तो गांव की 150-200 महिलाएं बैठी थी, उन्होंने कहा ये पटेलिन गांव की बेस्ट रखिया बड़ी बनाती है। मैंने कहा पटेलिन खड़े हो जाओ और सब लोग उसके नाम से ताली बजाओ। ताली बजाने से उसके चेहरे में जो प्रसन्नता मैंने देखी, जैसे सूर्य उदय होता है और कमल खिलता है, वैसा उसका चेहरा खिल गया कि उसकी प्रतिभा को रिकॉग्नाइज किसी ने किया। और जब मैंने कहा कि भाई ये रखिया तो हर घर की छानी में पैदा हो सकता है, देखिए चीज छोटी है, किसी प्रकार का कुछ वो नहीं, लेकिन अगर घर के ऊपर रखिया पैदा हो जाए, और अगर एक गांव में 250 मकान है उसके ऊपर रखिया पैदा हो जाए, तो रखिया को कीस करके उसमें बड़ी बनाने का एक वैल्यू एडिशन चेन बना दे, तो एक ही गांव में 25 से 50 रोजगार पैदा हो जाता है। और वो रखिया जो 20 रुपए में बिकता है, वो 250 रुपए में उसकी बड़ी बिकेगी। और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज कर दें कि मध्यान्ह भोजन में हम 2 दिन इस रखिया बड़ी को देंगे, तो उनका बाईबैक खरीदने के लिए सरकार की इतनी बड़ी एजेंसी बैठी हुई है जी। अब भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत गरीबी से मुक्त हो जी। तो उस दिशा में यदि हम प्लान करेंगे, तो इस तरह के छोटे छोटे प्रकल्प जिसमें थोड़ा गांव के लोगों की भागीदारी जोड़ देंगे, तो हमारा 6P मॉडल उस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा है। तो 6P मॉडल से जो मैं समझ पा रहा हूँ, फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक, सेकंड प्राइवेट, थर्ड पंचायत, फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिफ्थ प्रोग्रेसिव एंड सिक्स्थ पार्टनरशिप। तो आपने इन सभी चीजों को कंक्लूड करके कि एक प्राइवेट पर्सन भी हो, ग्राम पंचायत भी हो, और सरकार की भी योजनाएं हो, और ऐसा कार्य करें कि प्रॉफिटेबल भी हो और उसका प्रोग्रेसिव हो, मतलब एक चीज से दूसरी चीज का उत्पादन करें, और सभी की पार्टनरशिप मिला के हम लोग एक नया रोजगार पैदा करें। देखिए इस दुनिया के अंदर हमने 6P में प्रॉफिट को भी क्यों रखा? विदाउट प्रॉफिट इस दुनिया में कोई किसी से नहीं जुड़ा है जी। प्रॉफिट आपका मेरा मिलना भी एक प्रॉफिट है, आनंद है, हैप्पीनेस है। हर चीज कैश में कन्वर्ट हुई आवश्यक नहीं है जी। व्यक्ति को व्यक्ति से मिलकर प्रसन्नता होती है, बैटरी चार्ज हो जाता है। जैसे हनुमान को जामवंत से मिलने पर, जो हनुमान और जामवंत का मिलन जब हुआ, तो जामवंत ने हनुमान की ताकत को जगाया, का चुपी साथ ही रहे बलवाना, अरे हनुमान तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानो। तो अब प्रश्न है कि हमने इस मॉडल की गहराई में जब उतरे, तो अभी हमने इससे एक पानी का प्रयोग किया जी। देखिए नेचुरल रिसोर्स को बचाना है तो आपको जनता की भागीदारी जोड़नी पड़ेगी। पंचायत संवैधानिक बॉडी है, कब तक हम दिल्ली से बैठ कर के किसी चीज का कंट्रोलिंग करेंगे? प्रदेश से भी नहीं होगा। तो संविधान में संशोधन हुआ और 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत को एक संविधान की बॉडी मान ली गई, तो पंचायत हो गया। सारे स्टेक होल्डरों को जोड़ करके जब आप किसी काम को गति देते हो, तो व्यक्ति को लगता है कि ये मेरी भागीदारी से एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को जन आंदोलन कैसे बना दिया? वो सब लोगों को कहा है कि आप उसके स्टेक होल्डर हैं, आप सबकी भागीदारी उसमें आ गई, सबकी भागीदारी आ गई। तो जब भागीदारी जुड़ती है, और इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द का प्रयोग किया कि हम इस बार जन भागीदारी और जन जागरण से ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि आज़ादी के 75 वर्ष और महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ पर हम एक प्रकार से जन आंदोलन हर क्षेत्र में, चाहे वो पानी बचाना हो, चाहे वो वृक्ष लगाना हो, पर्यावरण को बचाना है, रोजगार के अवसर पैदा करना है, उस सब काम में मिल करके जनता को 6P मॉडल की ओर आगे बढ़ाना होगा। एक मेरा प्रश्न आपसे है जी, जिस तरह से युवा साथी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके एक रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं, ठीक उस तरह से कुछ महिलाएं ये चाहती हैं कि मुझे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाए, मुझे मुद्रा लोन मिल जाए, मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ा सा बैंक से पैसा मिल जाए, तो क्या ऐसे संसाधन है कि उसको सरकार पर आश्रित न होना पड़े और अपने लिए भी वो खुद रोजगार पैदा कर सके? देखिए भारत सरकार ने विगत 10-15 वर्षों में संपूर्ण भारत वर्ष में हर पंचायत के स्तर पर, ग्राम स्तर पर महिलाओं के SHG समूह, जिसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूह, इसका लगभग भारत में लाखों की संख्या में गठन हो गया, माने एक ऊर्जा का केंद्र बन गया, बैंक से लिंकेज हो गया उनका,
उनके बचत अपने आप में चल रहे हैं, उनकी अगर एक्टिविटीज मैपिंग कर दी जाए कि भाई ये बैंक से लिंकेज है, 2 लाख इनके पास जमा है, इनको अगर 5 लाख का बैंक लोन मिलता है और एक योजना इनके साथ बन जाती है तो ये एक प्रकार से स्वरोजगार पैदा हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे मॉडल हम लोगों ने डेवलप किए हैं जिसमें वो अपने आप में स्वरोजगार कर रहे हैं, जैसे कि रेडी टू ईट। अब रेडी टू ईट हमारे गांव में महिलाओं के समूह के द्वारा बनाया जाता है और फिर वो आंगनबाड़ी के बच्चों को दिया जाता है। तो यहाँ पर आता है सरकार को नीतियों का समर्थन प्रदान करना। कई बार सरकार नीतियों का सपोर्ट प्रदान नहीं करती जिसके कारण से वो एक जगह केंद्रित हो जाती है। अब हमको विकेंद्रीकरण की ओर जाना पड़ेगा, नीतियों का विकेंद्रीकरण, सपोर्ट सिस्टम का विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की दिशा में प्रयास करना होगा। इसका निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्त होगी। जी, एक पिछले डिस्कशन में मैंने आपसे बहुत सारे वैल्यूएबल शब्द सुने थे और एक शब्द था मार्केटिंग द अनमार्केटेड एरिया। देखिए, मार्केट द अनमार्केटेड, ओके, है ना। अब देखिए, दुनिया के अंदर जैसे बाबा रामदेव जी ने, पतंजलि योग गुरु थे हमारे, और उन्होंने पतंजलि को निकाल करके और पूरी दुनिया के अंदर योग को एक प्रकार से एस्टेब्लिश किया। इसी तरह से गांव के अंदर दादी और नानी के नुक्से, आज हम वैश्विक दुनिया में दूसरी तरफ खो गए, लेकिन भारत के अंदर वो क्षमता है कि भारत की क्षमता को यदि विश्व मार्केट पर अगर खड़ा कर दिया जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भारत के बहुत सी चीजों का मार्केटिंग विश्व में नहीं हुआ। गाय, अब काउ बेस्ड इकोनॉमी, यदि हम काउ बेस्ड इकोनॉमी की बात करें तो भारत के देसी नस्ल की गौ वंशों में इतनी क्षमता और पोटेंशियल छिपा हुआ है कि यदि उसको वैश्विक मार्केट पर हम खड़ा कर दें तो आज भारत पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए आजकल हम इन दिनों कहते हैं पर्यावरण पूरक उद्योग धंधों की स्थापना करो। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। अब बड़े बड़े फैक्ट्री से समस्याओं का समाधान निकलने वाला नहीं है, हर हाथ को रोजगार देना है। तो हमको मार्केट द अनमार्केटेड, जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है, उन चीजों को निकालना है। तो गांधी जी, मेरा अगला प्रश्न है कि द पृथ्वी फाउंडेशन के माध्यम से किस तरह से स्वयं रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, या पृथ्वी फाउंडेशन किस तरह से लोगों की मदद करता है ताकि वो अपना विकास कर सकें। देखिए, हमने ये द पृथ्वी फाउंडेशन हमारे डॉक्टर साहब कमल टावर जी ने बनाया था, फिर उन्होंने कहा गांधी जी आप इसके अध्यक्ष का दायित्व तो संभालिए। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा थीम है कि हम प्रकृति आधारित कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमने पिछले वर्ष प्रयोग किया 6P मॉडल पर। एक ग्राम पंचायत मारगांव है, 150 साल पुराने तालाब से हमने 2200 ट्रिप मिट्टी जन भागीदारी से निकाल दी जी। जिसका प्रोजेक्ट बना था 18 लाख रुपए का, सरकारी स्तर पर बनता तो, और जब उसको TS होने के बाद ए नहीं मिला, प्रशासनिक स्वीकृति, तो ग्रामीणों ने कहा भाई साहब हमारा काम नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि अगर हम अपने पुरुषार्थ को जगाएं तो हम इस काम को कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा मॉडल बन करके आया कि इसके माध्यम से हमने केवल अपने लोकल CSR से जी JCB मशीन मांगी और बाकी संसाधन ग्राम सभा से जुटा करके हमने 18 लाख का काम 5 लाख रुपए के अंदर कर दिया। ग्रेट। मतलब कि वो भी पैसा लोगों ने अपना सहयोग अलग अलग प्रकार से दिया और वहां से हमने 2200 ट्रिप मिट्टी निकालकर किसान के खेतों में डाला। और आज एक साल बाद जब उसका उत्सव मनाए तो उस तालाब के अंदर 14 फीट पानी आज भी उपलब्ध है। ये समाज की ताकत को जगाना और समाज को संगठित करके यदि किसी आंदोलन का रूप दे देना, पानी जैसे विषय पर अगर हम कब तक सरकार पर आश्रित रहेंगे, पानी हम सब के लिए अपने आप बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और मैं सरकारों से भी निवेदन करूंगा कि जनता की भागीदारी, पेड़, पानी, पौधे पर उनकी भागीदारी जोड़ने दो, उनको फ्रीडम दो कि भाई ये काम हम लोग 100 रुपए में एक पौधा लगाते हैं, आप कितने में कर पाओगे। आप जब पारदर्शिता लाओगे, जनता के अंदर इतनी ताकत है कि वो जो काम आप 100 रुपए में करते हो वो 50 रुपए में करने को तैयार है। लेकिन कहीं ब्यूरोक्रेसी है, कहीं पॉलिटिकल है, कहीं व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत एजेंडा है, उन सब से हट करके समग्र देश के विकास के लिए
जब हम पृथ्वी फाउंडेशन के माध्यम से आगे जाते हैं तो हमारे पास इस तरह का मारगांव मॉडल खड़ा होता है, बिच्छी टोला मॉडल खड़ा होता है, जहां से हम 4200 ट्रिप मिट्टी निकालकर किसान के खेत में डालते हैं और वो पूरा बजटिंग ग्राम सभा तय करती है। हम केवल आर्टरी फायर करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, लोगों को थोड़ा अपने ज्ञान, प्रभाव, पुरुषार्थ और धन का विसर्जन करने की प्रेरणा देते हैं। ग्रेट। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमें आपकी भागीदारी चाहिए और आपकी भागीदारी हमें मिल सकती है आपके द्वारा दिए गए सुझावों से, आपके द्वारा दिए गए कमेंट से, और साथ ही साथ इस जानकारी को हर उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको इस ज्ञान की, जिसको इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में प्रदीप गांधी जी, हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।